हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके, जिसका ये पार्ट वन है। इसमें हम लोग 2000 से ज़्यादा स्टैटिक जीके कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियो में, ताकि पढ़ने में आसानी हो। और ये किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए, SSC के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, किसके शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी प्राणदत्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि पहली बार सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो हमारा आंसर क्या होता, रुद्रदमन। अगर पहली बार क्वेश्चन में होता तो हमारा आंसर क्या होता, रुद्रदमन। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी औरंगजेब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, साफी लैनफी एक पारंपरिक कपड़ा है, किस राज्य का GI उत्पाद है? साफी लैनफी किस राज्य का GI उत्पाद है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन सी मणिपुर, मणिपुर विल बी द करेक्ट आंसर। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, पुली बजे वन्य जीव अभयारण्य जो ग्रे बेली ट्रैगोपन का प्राकृतिक आवास है, किस राज्य में स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन सिंपली यही पूछ रहा है कि पुली बजे वन्य जीव अभयारण कौन से राज्य में है। पुली बजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए नागालैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी नॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ से थे, USA से थे। और M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और वर्गीज कुरियन दूध क्रांति के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? एक क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तगाड़ा, ऑप्शन बी श्रीपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, तगाड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में तियानवेन वन क्या है? तो आपसे बस पूछ रहा है कि तियानवेन वन क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी स्पेस मिशन, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी ए मिसाइल। तो तियानवेन वन क्या है, एक स्पेस मिशन है। कौन से देश का है, चाइना का। तियानवेन वन एक स्पेस मिशन है और किस देश का है, चाइना का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। निम्नलिखित में से किसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट,
और ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेसेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन आया था, लॉर्ड लिटन ने। और कौन से ईयर में आया था, 1878 में। और इसको रिपेल किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। रिपेल किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन है। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉमर्स मिनिस्टर, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर होते हैं अध्यक्ष। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दमन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, गोवा विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट वन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।